पल्लभगढ़ से खबर है, जहां पर फरीदाबाद के सेक्टर 15 से अपहरण हुए व्यापारी का उत्तराखंड के चोली कोर्ट में शव मिला है। फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच की टीम ने व्यापारी का शव एक खाई से बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 30 मई को बदमाशों ने गोलीबारी करके व्यापारी नागेंद्र चौधरी का अपहरण किया है। अपहरण व्यापारी के एक पार्टनर पर अपहरण करने का आरोप लगा था। व्यापारी कपड़े और शराब का कारोबार करता था, ऐसे में नगद लेन देन को लेकर अपने पार्टनर के साथ विवाद चल रहा था। फिलहाल मृतक नागेंद्र के ड्राइवर बंसी की शिकायत के आधार पर सेंट्रल थाने की पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो जिस व्यापारी का वल्लभगढ़ से अपहरण हुआ था, अब उत्तराखंड से उसका शव बरामद हुआ है। अमित चौधरी से पूरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, लगभग 5 दिन पहले सेक्टर 15 से हथियारों के बल पर जो कपड़ा इंडस्ट्रीज थे, इनका अपहरण किया गया था, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार उनकी खोज कर रही थी, लेकिन कल जिस तरीके से जानकारी मिली है कि नगेंद्र चौधरी नामक ये इंडस्ट्रीज का शव नैनीताल में बरामद किया गया है और जिसकी हत्या गोली मारकर की गई है। पुलिस ने वहां से इनके परिजनों को संपर्क किया, वीडियो कॉल पर उनका चेहरा दिखाया गया, जिसके बाद इनकी पहचान की गई है। हालांकि इसकी पुख्ता तौर पर पुष्टि के लिए जो इनके परिवार वाले हैं नैनीताल के लिए रवाना हो गए हैं। अपहरण करने वालों का अभी तक फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। जी तो पुलिस जिस पर शक परिवार ने जाहिर किया था, उसको लेकर पुलिस क्या कह रही है? जी देखिए, अगर पुलिस की माने तो अभी तक जो ये आरोपित है, इनको इनका पार्टनर बताया जा रहा है, तो उसकी उनके भी फिलहाल तलाश जारी है। हालांकि क्राइम ब्रांच की पूरी टीम अभी भी उत्तराखंड में डेरा डाले हुए है और स्थानीय पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया गया है। जी, और पुलिस कुछ बता नहीं पा रही इस मामले में कि घटना को कैसे अंजाम दिया गया, बॉडी को देखकर क्या लग रहा है, क्या उसको खाई, क्योंकि खाई में बॉडी मिला है तो क्या उसको फेंका गया है या फिर गोली मारकर फेंका गया है, कुछ बता रही है पुलिस? जी देखिए, पुलिस ने जो बताया कि फिलहाल गोली लगने के कारण इनकी डेथ हुई है और जिसके बाद इनके शव को नैनीताल की झाड़ियों में फेंक दिया गया था। शव के चेहरे पर भी चोट के निशान है और पत्थर से उसको चेहरा बिगाड़ा गया है। हालांकि फिलहाल नैनीताल में इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आज जिस तरीके से अगर बात करें तो पुलिस, फरीदाबाद पुलिस अपनी स्टेटमेंट इस मामले में दे देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका।